इस वीडियो में हम GSTR 3B की लाइव फाइलिंग करने वाले हैं। ये वीडियो देखने के बाद आप आराम से GSTR 3B की फाइलिंग कर सकते हैं। इसमें कई बातें हम सीखेंगे, जैसे GSTR 3B कैसे फाइल करना है, GSTR 3B में GSTR 2B का क्या रोल है, कैसे डेटा जो है वो ऑटो पॉपुलेट होता है GSTR 3B में, चलान कैसे क्रिएट करेंगे हम, तो ये सारी बातें हम जानेंगे इस वीडियो में। तो हम डिटेल में एक एक टेबल को स्टडी करने वाले हैं। जितनी भी GSTR 3B की टेबल्स है, हम एक एक चीजों को डिटेल में पढ़ेंगे ताकि आपको कोई इशू ना आए। अगर आपका कोई भी क्लाइंट का आपको रिटर्न फाइल करना है, आप आराम से उसको कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हमें जाना है रिटर्न डैशबोर्ड में। जैसे ही हम रिटर्न डैशबोर्ड में जाएंगे, हमारे पास एक ऑप्शन आ जाता है फाइनेंशियल ईयर कौन सा है। मैं थोड़ा जूम कर लेती हूँ आप लोगों के लिए। तो बेसिकली फाइनेंशियल ईयर मेरा 21-22 है। क्वार्टर मेरा, सीन्स मैं सितंबर का रिटर्न फाइल करने वाली हूँ, तो क्वार्टर टू मुझे सिलेक्ट करना है। सितंबर अपने आप दिख जाएगा, वैसे ही सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद आप नीचे जाओगे तो आपको ऑप्शंस मिलेंगे कि आपको क्या फाइल करना है। क्या आपको GSTR 1 फाइल करना है? GSTR 1 ऑलरेडी फाइल्ड है, इसका ड्यू डेट 11 तारीख रहता है। क्या चाहिए आपको? 2A डाउनलोड करना है, 2B करना है, ये सारा ऑप्शंस अवेलेबल है आपके पास। अभी नया ऑप्शंस है, GSTR 2B का क्वार्टरली व्यू भी आपको अवेलेबल है। अब हम बात करते हैं 3B के बारे में। 3B के बारे में अगर हम बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 3B फाइल हम लोग कैसे कर सकते हैं। एक तो प्रिपेयर ऑनलाइन, एक प्रिपेयर ऑफलाइन। प्रिपेयर ऑफलाइन में आप अपना डेटा जो टैली का है वो पुल कर सकते हो, और प्रिपेयर ऑनलाइन में आपको मैन्युअली डेटा डालना पड़ता है। देखिए, प्रिपेयर ऑनलाइन ही हम लोग प्रेफर करते हैं बिकॉज GSTR 3B का डेटा अपने आप ऑटो पॉपुलेट होता है। सो बेसिकली GSTR 3B एक समरी है। क्या चीज का? सेल का डिटेल हम देते हैं, आउटवर्ड टैक्स का डिटेल देते हैं, ITC का डिटेल इसमें देते हैं। तो जो सेल का डिटेल है वो GSTR 1 से ऑटो पॉपुलेट हो जाता है, और ITC का जो डिटेल है वो आपका 2B से ऑटो पॉपुलेट होता है। तो हम एक एक डिटेल में टेबल स्टडी करते हैं। हम सबसे पहले प्रिपेयर ऑनलाइन में जाते हैं। जैसे ही हम प्रिपेयर ऑनलाइन में जाएंगे तो हमारे पास एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या आपको निल रिटर्न फाइल करना है। निल रिटर्न का मतलब क्या होता है? निल रिटर्न का मतलब होता है जिसके पास कोई आउटवर्ड सप्लाई ना हो, किसी कोई इनवर्ड सप्लाई नहीं हो, और कोई भी लाइबिलिटी ना हो, कोई भी लेट फीस, इंटरेस्ट कुछ भी ना हो, तो तब उस केस में निल रिटर्न फाइल होती है। तो उसके मेरे केस में निल रिटर्न नहीं है तो मैं नो करूंगी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रिटर्न पीरियड दिया हुआ है, सितंबर का है, फाइनेंशियल ईयर दिया हुआ है, और स्टेटस अभी नॉट फाइल्ड है। ड्यू डेट आपका दिया हुआ है 20/10/2021। मतलब अगर आप मंथली GSTR 3B फाइल करना चाहते हो तो उसका ड्यू डेट नेक्स्ट मंथ के 20 तारीख होता है। तो देखिए, GSTR 3B मंथली भी फाइल किया जाता है, क्वार्टरली भी फाइल किया जाता है। अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है तो आपको मंथली ऑप्ट करना पड़ेगा GSTR 3B की फाइलिंग। अगर 5 करोड़ से नीचे या 5 करोड़ है आपका प्रीवियस ईयर में, तो हम लोग क्वार्टरली फाइलिंग भी ऑप्ट कर सकते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं मंथली फाइलिंग की। नेक्स्ट करते हैं हम। नेक्स्ट जैसे ही करते हैं, आपको एक सिस्टम जनरेटेड समरी मिलता है जिसमें बताया जाता है कि आपका कुछ कुछ टेबल जो है वो जनरेट हो गया। GSTR 3B का जो भी टेबल है वो GSTR 1 से होगा, जो रिलेटेड टू सेल्स है, जो भी सेल्स से रिलेटेड है वो GSTR 1 से आपका ऑटो पॉपुलेट होता है। जो आपका इनपुट टैक्स से रिलेटेड है वो GSTR 2B से ऑटो पॉपुलेट होता है। तो यही ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है कि सिस्टम ने ऑटो पॉपुलेट कर दिया है। हम क्लोज करते हैं। क्लोज करने के बाद आप एक चीज देखिएगा, इसमें टेबल 3.1 से हम स्टार्ट करते हैं और एक एक चीज डिटेल में स्टडी करते हैं। देखिए, जो सेल का डेटा है वो GSTR 1 से ऑटो पॉपुलेट होता है। GSTR 1 जो है हमारा इनवॉइस वाइज डिटेल है, तो इनवॉइस वाइज डिटेल का जो टोटल है वो हमारा GSTR 3B में रिफ्लेक्ट करता है। तो सबसे पहले क्या क्या टेबल में है हम देखते हैं। आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई अदर देन जीरो रेटेड, निल रेटेड एंड एग्जेम्प्टेड। मतलब जीरो रेटेड, निल रेटेड और एग्जेम्प्टेड को छोड़ के जितनी भी टैक्सेबल सप्लाई है सब यहाँ पर रिफ्लेक्ट करती है। आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई जीरो रेटेड, जीरो रेटेड का मतलब है एक्सपोर्ट। अगर आप कोई भी चीज अपना एक्सपोर्ट कर रहे हो तो यहाँ पर रिफ्लेक्ट करेगा आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई जीरो रेटेड। ठीक है, एक्सपोर्ट या तो आप टैक्स पेमेंट करके भी कर सकते हो, विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स भी कर सकते हो। अदर आउटवर्ड सप्लाई निल रेटेड एग्जेम्प्टेड,
अगर nil rated supply है, exempted supply है, तो आपका यहाँ पर reflect होगा. Inward supply liable to reverse charge, कुछ भी reverse charge अगर applicability है, reverse charge मतलब जहाँ पर recipient pay करेगा tax government को, ऐसे generally supplier tax pay करता है, लेकिन recipient अगर tax pay करेगा, तो यहाँ पर भी reflect होगा और आपका ITC में भी reflect होगा. मतलब यहाँ पर आपका inward supply liable to reverse charge यहाँ पर reflect होगा, आपको tax का payment करना पड़ेगा और ITC में भी आपका इसका reflection आएगा. नॉन जीएसटी आउटवर्ड सप्लाई, अगर आप एल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन वो कर रहे हैं, तो ये भी नॉन जीएसटी आउटवर्ड सप्लाई में रिफ्लेक्ट करेगा. ठीक है, तो ये सारी डिटेल जो है वो सेल के होते हैं. तो टेबल थ्री इज ऑल अबाउट सेल्स, सेल का डिटेल टेबल थ्री में आता है. अब हम लोग आगे बढ़ते हैं. ठीक है, ये जो डेटा है मेरा ऑटो पॉपुलेट हुआ है, कहाँ से ऑटो पॉपुलेट हुआ है, ये बेसिकली मेरा जीएसटीआर वन से जो मैंने इंफॉर्मेशन दिया था उससे ये ऑटो पॉपुलेट हुआ है. अब कैंसिल करते हैं, हम आगे चलते हैं. आगे देखिए इंटर स्टेट सप्लाई, तो इंटर स्टेट सप्लाई का भी डिटेल है, क्या डिटेल आपको देना पड़ेगा. अगर आप किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को इंटर स्टेट सप्लाई मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सप्लाई कर रहे हो, तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन आएगा. आपको स्पेसिफिकली बताना पड़ेगा कौन सा स्टेट है. ये भी जीएसटीआर वन से ऑटो पॉपुलेटेड हो जाता है. जो भी जीएसटीआर वन में आप डिटेल डालोगे वो ऑटोमेटिकली जीएसटीआर थ्री बी में आ जाएगा. तो अगर आपने बी टू सी सेल्स दिखाया होगा इंटर स्टेट, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा. अगर आप किसी कॉम्पोजिट डीलर को बेच रहे हो तो यहाँ पर उसका इंफॉर्मेशन देना होता है. अगर आप किसी यूआईएन होल्डर को, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होल्डर को बेच रहे हो, तो आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन देना होगा या ऑटो पॉपुलेट आराम से हो जाएगा जीएसटीआर वन में जो आपने दिखाया था. अब बात करते हैं एलिजिबल आईटीसी की. टेबल फोर वेरी इंपॉर्टेंट. टेबल फोर में गवर्नमेंट की बहुत ही कड़ी नजर हो जाती है. क्यों हो जाती है? बिकॉज गवर्नमेंट नहीं चाहता कि आप एक्सेसिव आईटीसी ले लो, तो वो नजर रखता है. नजर कैसे रखता है? जीएसटीआर टू बी के थ्रू नजर रखता है. जो भी आपका सप्लायर टू बी में दिखाता है, मतलब जीएसटीआर वन में दिखाता है, वो आपके टू बी में दिखता है. तो टू बी आपके परचेजेस का डिटेल रहता है कि कितना आप आईटीसी एलिजिबल हो लेने के लिए. तो चलिए देखते हैं ये क्या है एलिजिबल आईटीसी. आईटीसी अवेलेबल इंपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट मतलब आप बाहर से अगर गुड्स खरीद रहे हो तो उस केस में आपको आईटीसी मिलता ही है. इंपोर्ट ऑफ सर्विस, अगर आप बाहर से सर्विस खरीद रहे हो, या कोई इनवर्ड सप्लाई लाइबल टू रिवर्स चार्ज है, अगर आपका कोई भी रिवर्स चार्ज एप्लीकेबिलिटी है, ठीक है, तो वो यहाँ पर शो होना है. वहां पर भी हम शो किए थे, टेबल थ्री में भी हमने दिखाया था कि कितना रिवर्स चार्ज है, और टेबल फोर में भी यहाँ पर कॉलम थ्री में मेरे को दिखाना पड़ेगा. ओके, रो थ्री में. नाउ इनवर्ड सप्लाई फ्रॉम इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, अगर इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर से कुछ इनवर्ड सप्लाई है तो आपको यहाँ पर शो करना है. तो मतलब इम्पोर्ट का अलग सेक्शन है, इम्पोर्ट ऑफ सर्विस का अलग है, रिवर्स चार्ज का अलग है, और बाकी जितनी भी आई टी सी है एक्सेप्ट दिस, जो भी आपका आई टी सी है वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगा. अब वॉट इज आई टी सी रिवर्सल? रिवर्सल का मतलब है कि या तो आपने गलती से क्लेम कर लिया तो वो आपको रिवर्स करना पड़ेगा, या कोई क्रेडिट नोट इशू किया है तो आपको यहाँ पर रिवर्स करना पड़ेगा अदर्स में, या हो सकता है कि कोई इनपुट को आप टैक्सेबल सप्लाई में भी यूज कर रहे हो, नॉन टैक्सेबल सप्लाई में भी यूज कर रहे हो, तो नॉन टैक्सेबल वाला पार्ट आपको रूल 42 में रिवर्स करना पड़ेगा. तो वो बहुत डिटेलिंग है कि रिवर्सल कैसे हो सकता है. या तो हो सकता है आपने 180 दिन में पेमेंट नहीं किया, सेक्शन 16 का रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं किया, आपने पेमेंट नहीं किया 180 दिन में अपने सप्लायर को, तो उस केस में आपको यहाँ पर रिवर्सल करना पड़ेगा. ओके, इनएलिजिबल आईटीसी का मतलब क्या होता है? इनएलिजिबल आईटीसी मतलब आईटीसी आपको नहीं मिलना है. जैसे मोटर कार हो गया, फूड एंड बेवरेजेस हो गई, या कॉम्पोजिट डीलर से आप परचेजेस कर रहे हो गया, क्लब मेंबरशिप हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, तो उस केस में क्या होगा, आपका सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 मतलब ब्लॉक क्रेडिट का मतलब क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा, उसमें आपको यहाँ पर दिखाना पड़ेगा.
ठीक है, या तो आप सिर्फ और सिर्फ एग्जेम्प्ट सप्लाई के लिए कुछ यूज कर रहे हो तो वो तो आईटीसी आपको मिलेगी ही नहीं, तो वो अदर्स में आपका शो होगा। तो बेसिकली टेबल 4 जो है वो ऑटो पॉपुलेटेड होता है। किससे ऑटो पॉपुलेट होता है? जीएसटीआर 2B से अपने आप जो है वो ऑटो पॉपुलेट हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे के टेबल के बारे में। अब बात करते हैं एग्जेम निल एंड नॉन जीएसटी इनवर्ड सप्लाई। टेबल 5 बात करता है अगर आपने कोई भी एग्जेम्प्ट निल या नॉन जीएसटी इनवर्ड सप्लाई ले रखी है, मतलब आपने कुछ परचेजेस किया है जो एग्जेम्प्ट है या निल है, तो उस केस में आपको यहाँ पर डिटेल देना पड़ेगा। जैसे इंटर स्टेट सप्लाई या इंट्रा स्टेट सप्लाई, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में से आपने परचेज किया है एग्जेम्प्ट या निल रेटेड, या आपने विद इन द स्टेट कुछ परचेज किया, उसका डिटेल आपको देना पड़ेगा। अब बात करते हैं इंटरेस्ट और लेट फीस के बारे में। इंटरेस्ट हमें खुद ब खुद कैलकुलेट करना पड़ता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि मैम इंटरेस्ट कब कैलकुलेट करना है? तो इंटरेस्ट आपको बेसिकली आप अगर ड्यू डेट पे पेमेंट नहीं कर रहे हो, हमारा ड्यू डेट 20 तारीख है, आप 20 तारीख को रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हो या पेमेंट नहीं कर रहे हो टैक्सेस का, तो आपको इंटरेस्ट लग जाएगा 18% पर एनम। इंटरेस्ट होगा आपका 18% पर एनम, ये आपको कैश में पेमेंट करना पड़ेगा, आप क्रेडिट से इसे पे नहीं कर सकते। तो आपको 18% पर एनम किस वैल्यू में लेना पड़ेगा? अगर आपका टैक्स अमाउंट है 100 रुपया और अगर आपका आईटीसी है 30 रुपया, तो आपको 70 रुपया में इंटरेस्ट देना पड़ेगा 18% पर एनम के हिसाब से। अब बात करते हैं लेट फीस के बारे में। लेट फीस अगर आपका 3B जो है वो आपने लेट फाइल किया, 20 तारीख को आपको फाइल करना था, आपको 23 तारीख को आपने फाइल करा, तो आपका 3 दिन का लेट फीस लग जाता है। तो 3 दिन का लेट फीस कितना होगा? पहले तो 1 दिन का लेट फीस कितना होता है? 25 रुपया पर डे पर एक्ट, मतलब सीजीएसटी का 25, एसजीएसटी का 25, टोटल 50 रुपया पर डे आपका लेट फीस लग जाएगा अगर निल रिटर्न नहीं है तो। अगर निल रिटर्न है तो आपका 10 रुपया पर डे पर एक्ट, मतलब टोटल 20 रुपया आपको देना पड़ेगा लेट फीस। तो लेट फीस जो है वो कब देना है? जैसे सपोज कीजिए मैंने अभी 20 तारीख ड्यू डेट है, मैंने 21 तारीख को रिटर्न फाइल किया, तो उस टाइम मुझे लेट फीस नहीं लगेगा। नेक्स्ट मंथ अपने आप ऑटो कैलकुलेट कर देगा सिस्टम, नेक्स्ट मंथ का जब मैं 3B फाइल करूंगी तो पिछले महीने का लेट फीस मुझे लग जाएगा। तो ये डिटेलिंग है, इंटरेस्ट खुद ब खुद आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा और लेट फीस नेक्स्ट मंथ अपने आप कैलकुलेट कर देगा सिस्टम। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया कि ये ओवरव्यू है जीएसटीआर 3B की। अब बात करते हैं सिस्टम जनरेटेड जीएसटीआर 3B। सिस्टम जनरेटेड जीएसटीआर 3B क्या है? सिस्टम अपने आप पुल करता है। डेटा कहाँ से पुल करता है? सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है। देखिए जीएसटीआर 1 जो है वो सेल का डिटेल होता है, जीएसटीआर 2B आपके परचेज का डिटेल होता है। तो जीएसटीआर 1 से आपका टेबल 3 जो है, टेबल 3.1 और 3.2 ऑटो पॉपुलेट हो जाते हैं, और जीएसटीआर 2B से आपका टेबल 4 जैसे आईटीसी ऑटो पॉपुलेट हो जाता है। तो ये सिस्टम वैसे ही बनाता है, किससे बनाता है? 1 और 2B से। तो हम देखते हैं सिस्टम जनरेटेड है क्या, एक बार हम सेव करते हैं और देखते हैं खोल के ये है क्या। सो बेसिकली आप देख सकते हैं टेबल 3.1 डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड एंड इनवर्ड सप्लाई, ये जो है ये अपने आप सिस्टम ने जीएसटीआर 1 से पुल किया है। जीएसटीआर 3B का जो भी डेटा है वो 1 और 2B से पुल आउट होता है। यहाँ पर देखेंगे आपका आईटीसी जो है, ऑल अदर आईटीसी यहाँ पर है, ठीक है, और किसी ने क्रेडिट नोट इशू किया था तो यहाँ पर अदर्स में रिवर्स किया गया है, ठीक है। तो ये सारा डिटेल्स जो है, ब्रेकअप भी दिया हुआ है कि कहाँ से लाया गया है। तो ब्रेकअप से ये पता चलता है कि जो सेल का डिटेल है वो जीएसटीआर 1 से लाया गया है, जीएसटीआर 1 से आपका सेल का डिटेल। मैं थोड़ा जूम करने की कोशिश करती हूँ। तो बेसिकली B2B सेल, B2C सेल, ये सारा जो सेल आपने किया है उससे लाया गया है, ठीक है। कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन को आपने सेल किया है उससे ये ऑटो पॉपुलेट हुआ है, आपने निल रेटेड सेल कुछ नहीं किया है। तो बेसिकली डिपेंड कर रहा है कि आपके जीएसटीआर 1 में क्या है। तो ये जीएसटीआर 1 का जो है वो टोटल सेल वहां पर रिफ्लेक्ट होगा, ओके। और ये 2B जो है,
ये बेसिकली टूबी से आपका आईटीसी पुल आउट किया है, टूबी से आपका आईटीसी पुल आउट किया है, ठीक है। तो हमने समझ लिया कि सिस्टम जनरेटेड मतलब जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 2B की समरी, राइट। ओके, अब बात करते हैं एक और चीज के बारे में जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैम मेरे जीएसटीआर 2B में, मेरा 2B जो मेरे सेलर का जीएसटीआर 1 है, सेलर ने जीएसटीआर 1 लगाया और मेरे 2B में रिफ्लेक्ट किया। पहले 2B होता क्या है? 2B क्या है? सेलर जो है वो जीएसटीआर 1 लगाता है, मतलब सेल का डेटा देता है जिससे 2B अपने आप बनता है। 2B मेरे लिए परचेज का डिटेल है, मेरे लिए आईटीसी का डिटेल है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि 2B में शो नहीं कर रहा है, मेरा जो सेलर है उसने जीएसटीआर 1 में मेरा डिटेल ही नहीं लगाया, या हो सकता है उसने जीएसटीआर 1 फाइल ही नहीं किया, इसलिए 2B में शो नहीं कर रहा है, क्या मैं क्रेडिट ले सकती हूँ? ये सबसे पहला क्वेश्चन, क्या मैं क्रेडिट ले सकती हूँ? देखिए, अगर आप 2B से ज्यादा यहाँ पर क्रेडिट लेते हैं या 2B में जो डेटा आ रहा है उसको चेंज करते हैं 5% के वेरियंस में, ठीक है, तो 2B के डेटा से आप अगर कुछ भी छेड़खानी करते हैं 5% से ज्यादा, तो यहाँ पर जो है रेड हो जाता है, रेड हाईलाइट हो जाता है, एरिया जो है आपका रेड हाईलाइट हो जाता है। मैं आपको समझाऊंगी कैसे, क्यों ये रेड हाईलाइट हुआ है, ठीक है। तो हम देखते हैं कैसे हुआ है, उससे पहले हम जानते हैं किसके बारे में, जीएसटीआर 2B के बारे में हम जानेंगे कि जीएसटीआर 2B क्या है, उसको देखेंगे। तो आप देखिए यहाँ पर जीएसटीआर 2B जो है, हमारे पास व्यू करने का भी ऑप्शन है, डाउनलोड करने का भी ऑप्शन है। तो मैं व्यू करके आपको पहले दिखाती हूँ कि जीएसटीआर 2B क्या है। इसमें बेसिकली आईटीसी का समरी रहता है कि कितना आईटीसी आपको मिला, इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना मिलता है। तो हेल्थ में हम लोग जाते हैं, देखिए इसमें पूरा डिटेल आपको दिया हुआ है कि 2B क्या है, आईटीसी कितना अवेलेबल है, कितना नहीं अवेलेबल है, इसका PDF और समरी सारा कुछ है, ठीक है। एडवाइजरी आप देखिए, एडवाइजरी का मतलब ये होता है कि ये किसका डेटा अवेलेबल कराता है, किस पीरियड का। तो बेसिकली जो आपके सप्लायर GSTR 1 फाइल कर रहा है 12 सितंबर से लेकर 11 अक्टूबर के बीच, जो भी आपका सेलर जो है GSTR 1 12 सितंबर से लेकर 11 अक्टूबर के बीच में फाइल कर रहा है, उसका डेटा पुल होता है 2B में। 2B में किसका डेटा पुल होता है? अगर आपका सितंबर का रिटर्न है तो 12 सितंबर से 11 अक्टूबर, अगर कोई क्वार्टरली जीएसटीआर 1 फाइलर है तो 14 सितंबर से 13 अक्टूबर के बीच में वो जीएसटीआर 1 अगर या IFF फाइल कर रहा है तो उस केस में आपका 2B का डेटा 14 सितंबर से लेकर 13 अक्टूबर तक के बीच का रहता है, जो भी वो डेटा फीड करता है। तो बेसिकली पीरियड जो है वो फिक्स रहता है, जनरली 12 सितंबर से 11 अक्टूबर या 14 सितंबर से 13 अक्टूबर पीरियड जो है वो 2B में फिक्स रहता है। वो 2B का जो डेटा होता है, जो आईटीसी का डेटा होता है, वो चेंज नहीं होता है, वो चेंज नहीं होता है, स्टैटिक होता है। देखिए 2A जो था हमारा, उसमें भी आईटीसी का डिटेल था, लेकिन 2B क्यों लाया गया? 2B इसलिए लाया गया क्योंकि 2B में जो डिटेल है वो स्टैटिक है, मतलब चेंज नहीं होता, वो पीरियड के अनुसार रहता है। 2A का जो डेटा है वो बदलता रहता है, जैसे ही रिटर्न फाइल होगा किसी पीरियड का तो 2A का डेटा विल चेंज, 2B का डेटा वोंट चेंज, ठीक है। तो हम लोग देख लिए कि 2B जो है डायनामिक है, इसमें एक रेप्लिका होता है GSTR 1 का, जिसमें आप सामने वाले का जो GSTR 1 है आपके लिए GSTR 2B है, राइट। तो हम डाउनलोड करके देखते हैं, डाउनलोड GSTR 2B डिटेल एक्सेल, एक बार मैं डाउनलोड करके आपको दिखाती हूँ क्या है ये, इसमें क्या डिटेल्स आते हैं। मैंने डाउनलोड किया है, देखिए यहाँ पर जो डिटेल है, अगर आप देखो आईटीसी कितना अवेलेबल है, टेबल बन के आ गया है और आपको बताया जा रहा है उस टेबल में, देखिए कि कहाँ से पुल हुआ है डेटा, ठीक है। बेसिकली GSTR 1 का ही रेप्लिका है, सामने वाले का GSTR 1, आपका GSTR 2B। आईटीसी कितना अवेलेबल नहीं है, B2B इनवॉइसेस का ब्रेकअप है, आप देख सकते हो कितना आपका जो जैसे मेरा फेसबुक इंडिया जो है, मेरा सप्लायर है, तो वो कितना चढ़ाया है।
एक क्वेश्चन हमारे मन में आता है, क्या 2B में जितना क्रेडिट है मैं सब आंख बंद करके ले लूं? नहीं, 2B का जितना क्रेडिट होता है हमें आंख बंद करके नहीं लेना है। क्यों क्यों हमें आंख बंद करके 2B का क्रेडिट नहीं लेना है? रीजन ये है कि हो सकता है कि सेलर जो है उसने गलती से आपके नाम पे चढ़ा दिया हो, हो सकता है कि वो ITC आपको अवेलेबल ना हो लेकिन गलती से चढ़ गया हो, या हो सकता है वो क्रेडिट इनएलिजिबल हो। जैसे अगर आपने मोटर कार खरीदा है यहाँ पर तो दिखा रहा है लेकिन आप ले नहीं सकते क्योंकि वो इनएलिजिबल है, तो वो आपको लॉ का एक पूरी जानकारी होनी चाहिए तभी आप बता पाओगे कौन सा क्रेडिट आप ले पाओगे और कौन सा क्रेडिट आप नहीं ले पाओगे। ठीक है, तो बेसिकली मैंने कितना क्रेडिट लिया है मैं आपको दिखाती हूँ, मैं जाके आपको दिखाती हूँ, मैं बैक करती हूँ और दिखाती हूँ मैंने कितना क्रेडिट लिया है। और मैं रीजन के साथ आपको समझाने वाली हूँ, एक एक चीज लॉजिकली हम लोग बताएंगे। सितंबर में हम जा रहे हैं, सितंबर में जाने के बाद हम प्रिपेयर ऑनलाइन में जा रहे हैं, प्रिपेयर ऑनलाइन में ऑब्वियसली मुझे नल रिटर्न फाइल नो किया हुआ है। नेक्स्ट करते हैं, क्लोज करते हैं, क्लोज करने के बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग देखिए 4,454 रुपया का ITC मैंने लिया है, IGST का। तो बेसिकली अगर आप देखोगे तो मेरा इनवॉइस वैल्यू अगर मैं IGST का देखूं तो 4,454 ही आ रहा है टोटल, मैंने लास्ट वाला इनवॉइस लिया नहीं है। अब आप बोलोगे मैम आपने लास्ट वाला इनवॉइस क्यों नहीं लिया? क्यों नहीं लिया? इसलिए नहीं लिया क्योंकि क्योंकि ये एक्चुअल में गलती से सेलर ने चढ़ा दिया, जो भी ZVC इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है उसने गलती से चढ़ा दिया मेरे नाम पे, मैंने कुछ खरीदा ही नहीं है उससे, तो मैं क्रेडिट क्यों लूं? तो इसलिए मैंने क्रेडिट नहीं लिया, इसलिए 454 रुपया मैंने दिखाया है और 4545 जो है वो कहां से आया है हम देखते हैं। बेसिकली यहाँ से 45 रुपीज टोटल आया है हमारा CGST और SGST का। अब बात करते हैं यहाँ पर रेड हाईलाइट क्यों हुआ है। देखिए उसने गलती से मेरे नाम पे चढ़ाया था एक सेलर ने, और उसने उसका क्रेडिट नोट भी इशू कर दिया। यहाँ पर आप देखोगे आगे जाके क्रेडिट नोट भी जो है उसने इशू कर दिया, ZYC जो है उसने क्रेडिट नोट भी इशू कर दिया। तो बेसिकली मैंने क्रेडिट लिया ही नहीं इसलिए मैंने रिवर्स भी नहीं किया, तो मैंने क्रेडिट दिखाया ही नहीं इसलिए मैंने रिवर्स नहीं किया है यहाँ पर, तो अदर्स में इसलिए जीरो आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो मैंने जीरो लिया, एक्चुअल में ये फिगर आना चाहिए था, कौन सा फिगर आना चाहिए था? IGST का ये फिगर आना चाहिए था 1182, लेकिन मैंने यहाँ पर दिखाया नहीं है इस वजह से ये रेड हाईलाइट हो गया, क्योंकि मैंने क्रेडिट ही नहीं लिया इसलिए मैंने यहाँ पर रिवर्स भी नहीं किया। तो वो डिपेंड करता है आपका कैसा, आपको कैसे करना है, इसलिए ये रेड हाईलाइट हो चुका है। अब आप देखेंगे ये जो डेटा है, टेबल है, सीन्स अंदर रेड हाईलाइट हो गया, वेरिएंस है, वेरिएंस मतलब चेंज किया आपने 2B का डेटा से, इसलिए ये रेड हाईलाइट हो चुका है। ओके, अब आगे चलते हैं, हम सेव करते हैं GSTR 3B। सेव करने के बाद देखिए मैंने चेक कर लिया है ये डेटा पूरी तरह से सही है, GSTR 1 से ऑटो पॉपुलेट हुआ है, ये ITC भी सही है मैंने जो लिया है, तो इसमें लिखा हुआ है GSTR 3B डिटेल सेव्ड सक्सेसफुली, सेव हो चुका है मेरा सक्सेसफुली। अब उसके बाद हम एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, रिफ्रेश करने के बाद हम प्रीव्यू भी कर लेते हैं GSTR 3B की, प्रीव्यू PDF वर्जन में हम सेव कर लेते हैं, उसके बाद हम प्रोसीड टू पेमेंट करते हैं। एक वार्निंग सिग्नल आता है जैसे ही मैं प्रोसीड टू पेमेंट करती हूँ, मुझे वार्न किया जाता है। वार्न क्यों किया जाता है? वार्न इसलिए किया जाता है क्योंकि वो बताना चाहता है द इंफॉर्मेशन एंटर्ड बाय यू इज इन वेरिएंस विद द ऑटो पॉपुलेटेड डेटा, जो आपने डेटा एंटर किया है और जो हमने ऑटो पॉपुलेट किया था, हमने डाला था, वो डिफरेंस आ रहा है, फिर भी आप कंटिन्यू करना चाहते हो, तो मैं ऑब्वियसली प्रोसीड करना चाहूंगी, प्रोसीड करती हूँ मैं, तो देखिए इसमें एक ऑप्शन आता है कैश लेजर में कितना बैलेंस है, मतलब मेरा कैश में मेरे पास कितना पड़ा हुआ है, कितना मेरा पास क्रेडिट का बैलेंस अभी भी पड़ा हुआ है,
ठीक है, तो ये बेसिकली डिटेल्स देता है कि आपके पास कैश में इतना पैसा है, आपके पास इनपुट टैक्स क्रेडिट में IGST CGST SGST में इतने पैसे हैं, ठीक है। तो मैं पेमेंट कैसे करती हूँ, कोई भी टैक्स का पेमेंट दो वे से होता है। अगर आप टैक्स का पेमेंट कर रहे हो तो आप कैश से भी पेमेंट कर सकते हो, क्रेडिट से भी। जैसे 20 रुपया मेरे पास कैश है, 10 रुपया मेरे पास क्रेडिट है और मेरा टैक्स लाइबिलिटी 100 रुपया, तो आप कैश में जो ऑलरेडी पड़ा हुआ है वो आप 20 रुपया पेमेंट करोगे और 10 रुपया क्रेडिट से, रिमेनिंग जो है वो भी आपको कैश डालना पड़ेगा, फिर आप पेमेंट कर पाओगे, राइट। तो बेसिकली आपका अदर देन रिवर्स चार्ज टैक्स पेबल CGST और SGST का इतना इतना है, इतना आपका टैक्स पेबल है, और आपका पेमेंट हो चुका है ITC से, इतना CGST यूज हो गया है, इतना IGST यूज हो चुका है, और इतना SGST और इतना IGST यूज किया गया है। तो बेसिकली सेट ऑफ रूल्स जो है कि कैसे सेट ऑफ होगा वो फॉलो हुआ है, ठीक है। तो आपका पेमेंट आ रहा है, पेमेंट कितना का आ रहा है, 265 आपको पेमेंट करना है। कितना पेमेंट करना है आपको, 265 जो है वो आपको पेमेंट करना है। तो पेमेंट करने का तरीका क्या है, हमको चालान क्रिएट करना होगा। व्हाट आई नीड टू डू, आई नीड टू क्रिएट चालान। तो क्रिएट चालान करते हैं, क्रिएट चालान जैसे ही हम करते हैं एक टैब में आ जाता है कि रीजन मेरा क्या है, एनी अदर पेमेंट रीजन है, ठीक है। और मेरा चालान 265 का SGST का वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को मेरा पैसा मिलने वाला है टैक्स का, ठीक है। तो आपके पास तीन ऑप्शन है, या तो आप ई पेमेंट करो, या तो आप ओवर द काउंटर जाके पेमेंट करो, या NEFT RTGS करो। तो मेरे पास ये तीनों ऑप्शंस अवेलेबल है, मैं NEFT और RTGS करना चाहती हूँ, तो मुझे बताना पड़ेगा कि कौन से बैंक से। तो मैं सपोज एक्सिस बैंक से करना चाहूंगी, तो मैं एक्सिस बैंक सिलेक्ट कर लेती हूँ और जनरेट कर लेती हूँ चालान, ठीक है। तो जनरेट हो चुका है मेरा चालान, जिसमें आपका एक्सिस बैंक जो है वो मेरा रेमिटिंग बैंक है, जिससे पैसा मैं दूंगी। और किसको पैसा जाएगा, GST को जाएगा, ये बेनिफिशियरी अकाउंट नंबर है जिसमें पैसा जाएगा, ये IFSC कोड है, इतना अमाउंट जो है मुझे भेजना है। तो मैं पेमेंट कर सकूंगी इससे, लेकिन मैंने चालान जो है क्रिएट कर दिया है, लेकिन क्रिएट करने से तो GST रिटर्न फाइल नहीं होता, आपको पेमेंट करके फिर फाइल करना पड़ेगा। तो वो हम लोग देखते हैं कि पेमेंट कैसे करना है। उससे पहले मैं आपको एक चीज दिखाना चाहती हूँ कि आप पेमेंट में जाओगे सर्विसेज में और चालान हिस्ट्री देखोगे। चालान हिस्ट्री आप जैसे ही देखोगे तो आप थोड़ा नीचे जाओगे तो आपको पता होगा कि कितना पेमेंट आपने क्रिएट किया है, कितना आपने पेमेंट किया है, ठीक है। ये चालान का पिन है, कब क्रिएट हुआ है, कितने अमाउंट का क्रिएट हुआ है, क्या मोड है, क्या रीजन है पेमेंट का, एक्सपायरी डेट क्या है, एक्सपायरी डेट आपका कितना है। जनरली 15 डेज का हमारा रहता है, ठीक है, एक्सपायरी डेट। डिपॉजिट डेट, कब आपने डिपॉजिट किया और डिपॉजिट का स्टेटस क्या है, क्या पेमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। तो अभी हम पेमेंट करेंगे NEFT RTGS का, उसके बाद हम लोग फाइलिंग करेंगे। तो मैं पेमेंट करके फिर फाइल करके आपको दिखाती हूँ। तो हम सर्विसेज में जाके, पेमेंट में जाके, चालान हिस्ट्री में जाएंगे। जैसे ही हम चालान हिस्ट्री में जाते हैं तो हमें दिखता है कि हमने अमाउंट पेमेंट कर दिया है। तो बेसिकली हमने RTGS और NEFT के थ्रू पेमेंट किया था, तो ये अभी क्या आ रहा है, पेड आ रहा है। अब हम चलते हैं और रिटर्न फाइल करते हैं। सर्विसेज में जाते हैं, रिटर्न में जाते हैं, रिटर्न डैशबोर्ड में जाते हैं और हम सिलेक्ट करते हैं सितंबर ऑप्शन, क्वार्टर टू सितंबर में जाके हम सर्च करते हैं। सर्च करने के बाद हमारे पास प्रिपेयर ऑनलाइन का ऑप्शन है, हम वहां जाएंगे और प्रिपेयर ऑनलाइन के बाद यू वांट टू फाइल निल रिटर्न को नो ही करना है, नेक्स्ट करके क्लोज करना है। आगे चलते हैं प्रोसीड टू पेमेंट में, यहाँ पर प्रोसीड करते हैं, देखिए पेमेंट हो चुका है, यूटिलाइज हो गया है कैश बैलेंस से, हमने 265 का पेमेंट जो है वो कर दिया है, ठीक है। तो हमने पेमेंट कर दिया है, कैश बैलेंस में हमने डाला था 265 स्टेट टैक्स के नाम से, तो वो पेमेंट हो चुकी है। अब हम मेक पेमेंट ऑफ पोस्ट क्रेडिट टू लेजर करेंगे, इससे क्या होगा मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे ही ये आप ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं मेक पेमेंट या पोस्ट क्रेडिट टू लेजर का,
इसमें एक ऑप्शन आता है, यू आर अबाउट टू एग्री टू क्रेडिट क्लेम एंड यूटिलाइजेशन, मतलब जितना भी आपका क्रेडिट है या कैश लेजर में जितना भी कैश है वो लाइबिलिटी से रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये आप क्या कर रहे हो, अग्री कर रहे हैं कि आप अपना क्रेडिट जो है क्लेम कर रहे हो, यूटिलाइज कर रहे हो, और अमाउंट जो है आपके कैश या क्रेडिट लेजर से अकॉर्डिंगली डिडक्ट हो जाएगा। क्या आप ऐसा करना चाहते हो? यस, तो मैं सिंपली यस करूंगी और ऑफसेट जो है वो सक्सेसफुल हो जाएगा, मतलब मेरे कैश या क्रेडिट लेजर से जितना भी अमाउंट होना था वो डिडक्ट हो गया है। तो मैं सिंपली ओके करती हूँ और यहाँ पर अब आ गया है, एक्टिवेट हो चुका है प्रोसीड टू फाइल का। तो सिंपली मुझे प्रोसीड टू फाइल करना है और मुझे जो भी मैंने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है वो ट्रू है और करेक्ट है, वो मुझे कहना है कि इट इज ट्रू। फिर उसके बाद मेरे को जो भी ऑथराइज सिग्नेटरी है उनका नाम सिलेक्ट करना है ड्रॉप डाउन से। देखिए हमारे पास या तो ईवीसी से फाइल कर सकते हैं हम ओटीपी के थ्रू, या डीएससी के थ्रू हम फाइल कर सकते हैं। डीएससी के थ्रू हम तब फाइल करेंगे जब कंपनी या एलएलपी हो। सीन स्किलशॉट एडुलाइफ प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है तो हम डीएससी से फाइल करेंगे। कंपल्सरी है कि हमको डीएससी यूज करना पड़ेगा इन केस ऑफ कंपनी एंड एलएलपी। अगर अदर देन कंपनी और एलएलपी है तो हम किससे फाइल कर सकते हैं? हम ईवीसी से भी फाइल कर सकते हैं, तो वो भी ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। लेकिन अभी हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है कि हम ईवीसी से कंपनी के केस में भी फाइल की कर सकते हैं, तो हम ईवीसी भी यूज कर सकते हैं इन केस ऑफ फाइलिंग फॉर द कंपनी। तो मैं ईवीसी का जो ऑप्शन है वो यूज कर रही हूँ और फाइल कर रही हूँ हमारा जीएसटी रिटर्न। तो यहाँ पर ऑप्शन है, ये मेरा ओटीपी रजिस्टर्ड नंबर या फोन नंबर पे जाएगा। तो सिंपली फाइल 3B विथ ईवीसी। तो वन टाइम पासवर्ड हमारे रजिस्टर्ड ईमेल आईडी में चला गया है, तो वो मुझे यहाँ पे डालना है और वेरीफाई करना है। तो मैंने पासवर्ड जो है वो डाल दिया है, हम वेरीफाई कर देते हैं। तो हमारा जो फाइलिंग है जीएसटीआर 3B का वो अब सक्सेसफुल हो गया। आप देख सकते हैं जीएसटीआर 3B फाइल हो गया है। तो गाइज और भी जीएसटी के वीडियोज या कोई और वीडियोस के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। होप ये जीएसटी का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच गाइज।